गाइज ये है कमल दा का एंट्री पॉइंट यहाँ से। सो बेसिकली ये रुकुम में फेमस है, कमल ताल भी इसको बोलते हैं, और ये एक लेक है बेसिकली जिसमें कमल लगते हैं। लेट्स सी अंदर जाके देखेंगे क्या है यहाँ। गाइज ये जो आपको यहाँ पे दिख रहा है सामने, ये कमल के पौधे सूख चुके हैं अभी अभी, यहाँ पे कमल नहीं है। बट ये 1.2 किलोमीटर में फैला हुआ है पूरा लेक। तो आज मैं कमल दा भी पहुँच गया, कमल ताल। सो ये जो लोकेशन है इसमें बतख भी दिख रहे हैं। बतख भी है। गाइज ये जो लेक है ये फेमस है इसके क्वालिटी कमल के लिए, लोटस। तो अभी नहीं, सावन के महीने में यहाँ पे कमल लगते हैं। और ये जो एरिया है और भी सुंदर दिखता है उस टाइम पे। तो लोग तो वहाँ ऊपर टॉप से फोटो लेते हैं, लेकिन यहाँ पे रेस्टोरेंट भी ऊपर। पास ऐसी कोई हिस्ट्री नहीं है, ओनली थिंग इज की ये एक लेक है जहाँ फाइनेस्ट कमल लगते हैं और लोग वही देखने आते हैं। आगे एक मंदिर भी बना है शायद। धूप सीधा पड़ रही है फेस पे। आज ये एक्सप्लोर करने के बाद थोड़ी देर में गाड़ी जाएगी, फिर उस गाड़ी में घर निकलना है, फिर से छत के ऊपर, और फिर हम यहाँ पे, तो फिर हम घर पहुँच जाएंगे। यहाँ पे लोग क्या स्विमिंग कर रहे हैं? हाँ नहा भी रहे इसमें तो लोग। अच्छा ये कमल की जड़ें निकाल रहे हैं, पता नहीं इसके पीछे क्या रीज़न है, बट निकाल रहे हैं ये लोग। कितना गहरा होता है पता नहीं। ये है यहाँ की एंट्री इस कमलदा के मंदिर की, शायद मंदिर ही है ना ये, लग तो ऐसे मंदिर का पॉइंट है। हाँ मंदिर का पॉइंट है। और हमने यहाँ पे ना एक चीज़ और देखी है कि लोग ना कमल की जड़ें निकाल रहे हैं पानी से और उसको बेच रहे हैं। मुझे नहीं पता उसका पर्पस क्या है, बट बेच रहे हैं। ओके ये है मंदिर, मंदिर जो यहाँ सेंटर में बना है। क्या है कमल निकाल रहे हो इधर से? यहाँ निकाल रहे कमल। नाइस, ये तो खैर मॉडर्न ही लग रहा है मेरे को बनाया, क्योंकि ये ईंट की कंस्ट्रक्शन है सारी। तो गाइज यहाँ पे ये कमल की जड़ें निकालेंगे और उसके बाद उसको बेचेंगे, और कह रहे हैं कि बहुत ठंडा पानी है यहाँ पे। वो देखो उस तरफ भी लोग निकाल रहे हैं, वहाँ पे इधर भी निकाल रहे हैं, इधर भी और यहाँ पे भी बना रहे।